मैंने यूनिवर्सल चैलेंज बुक इनको दी, केस जैसी कोई सूरत बना दो। इन्होंने इस बात को पूरी दुनिया के आगे पेश ही नहीं किया, पहुंचाया ही नहीं। एक एक बंदे को हम कहें बनाओ कुरान जैसी सूरत, कौसर जैसी सूरत बनाओ, या कलमा पढ़ो या कुरान जैसी सूरत बना के दिखा दो। ये हम ये यूनिवर्सल चैलेंज हम अल्लाह लोगों के आगे पेश ही नहीं करते। इतने मरे हुए हैं हम कि एक बात लोगों के आगे नहीं पेश कर सकते, वे या कुरान जैसी सूरत बनाओ या कलमा पढ़ो, दूसरी बात नहीं हम करते। इतना बड़ा चैलेंज है नहीं, 1500 साल होने को आए अल्लाह ने दिया हुआ है, हमने इस चैलेंज को लोगों को तक पहुंचाना ही है बस। देख फिर, या तो कलमा पढ़ेंगे या फिर कुरान जैसा को ला ही नहीं सकता। किसी को अल्लाह ने ये दिया ही नहीं इख्तियार के वो कुरान जैसी कोई चीज बना के ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह ने चैलेंज किए, कि अगर इस कुरान जैसा कोई बना के लाना चाहे नहीं बना सकता था, वो एक दूसरे की पूरे मदद भी कर ले इंसान, फिर भी कुरान जैसी किताब कोई बना के ला नहीं सकता। फिर कहा 10 सूरतें बना के ले आओ, फिर कहा 1 सूरत बना के ले आओ, फिर एक जगह फरमाया फालिया तू बे हदीस मिसले ही इनकार हो सादिकीन, इस स्टेटस और मियार की एक बात बना के ले आओ। हमें ये हदीस बादहु यूमिनून, तो क्या कुरान की के बाद कौन सी चीज है जिस पर तुम्हारा ईमान यकीन बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बंदा हैरान हो जाता है कि अल्लाह के कितने चैलेंज है हमारे साथ, लेकिन हम पहुंचाते ही नहीं। جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو